हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से ही मम्मी ने ना पुए बनाने शुरू कर दिए, तो आज मैं भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि इनकी खटपट की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई। तो यहाँ पे बन रहे हैं पुए क्योंकि हमें भी जाना है, आज ही मतलब निकलना है और भाभी को भी जाना, तो हम दोनों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो फाइनली पुए सही हो गए हैं और काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। नाश्ते में आज भैया ने ऊपर मंगाया दही जलेबी, जो कि मान्या को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मान्या उठ के ब्रश वश करके खा रही है, अभी नहाई नहीं है, पहले नाश्ता कर लेंगी फिर उसके बाद जाएंगी नहाने। बहुत नरम है। अभी हम जा रहे हैं आज फिर से अमीनाबाद और हमें आज घर के लिए भी निकलना, क्योंकि कल जो मान्या की जूतियाँ लाए थे ना वो छोटी हैं, तो जाके इन्हें वापस कर दें। आज संडे का दिन है और अमीनाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से मैं 1 बजे आई थी कि अभी भीड़ नहीं होगी और दूसरा शॉप भी खुल गई होगी, तो मैं जो मान्या की सैंडल है आराम से चेंज कर लूंगी और इसलिए मैं मान्या को लेके आई। और आज हमें घर के लिए भी निकलना है इसलिए मैंने ऑटो वगैरह नहीं किया, भैया घर पे थे तो मैं बाइक से आई थी कि फटाफट से काम करके निकल जाए। खैर सैंडल वगैरह हमने चेंज कर लिए, लेकिन 1 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो शाम को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो अच्छा रहा कि मैंने ना पहले ही शॉपिंग कर ली थी, संडे का वेट नहीं किया था। हम चलते हैं घर क्योंकि यहाँ से निकलने में टाइम हो जाएगा और मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है क्योंकि 3 बजे पहुंचना है। घर तो पहुंच गए लेकिन अभी भी जो लास्ट पैकिंग होती है ना, फाइनल पैकिंग, वो अभी भी मेरी बची हुई है। सारे अभी टैप वगैरह रखने हैं, चार्जर है, फोन है, सबसे ज्यादा काम इनका हो जाता है। और थोड़े बहुत अभी भी कपड़े रखे क्योंकि बारिश हो रही थी, सुबह कपड़े सूखे नहीं थे तो वो भी अभी रखने हैं। मतलब लास्ट वाली पैकिंग अभी पूरी मेरी बची हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ खत्म करती हूँ और अभी खाना भी खाना है, खाना खा के फिर निकलेंगे, मान्या को भी खिलाना है। तो ये सारे काम मुझे 1 घंटे के अंदर खत्म करने हैं क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं, तो मुझे बेचैनी हो रही कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए तो मेरी ट्रेन छूट जाए। अपनी राखी ले लो तुम, ये ठीक है, अभी बांध दे, चलो फिर हम ऊपर से आ रहे हैं मंदिर से, फिर बांध रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी और मान्या की राखी भगवान पे चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन पे हम लोग नहीं आ पाएंगे, छोटी वाली बहन आएगी तो वो फिर सबको बांध देगी। तो मैंने सबके हिस्से की राखी भगवान के पास रख दिया है। भाभी रंग लगा रही है, अब आते हैं ना तब तो बहुत खुशी होती, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 दिन कितनी जल्दी पता ही नहीं चला कि बीत गए और अभी जाने का वक्त हो गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है 1-2 दिन और रुक लिए होते, लेकिन अब वहाँ भी दिक्कत होती है, घर में कोई नहीं रहता है तो उसकी भी एक टेंशन होती है। तो अभी चेतन ने ओला बुक कर दिया, अभी ओला आने में 10-15 मिनट लग जाएंगे टाइम, और इतने टाइम में थोड़ा सा और भी देख लेंगे कहीं कुछ सामान रह तो नहीं गया है, क्योंकि मेरा सामान बहुत फैलता है घर में। और यहाँ पे भाभी लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रही हैं। एक्सक्यूज मी, जब मार्केट गए हुए थे इतनी तेज धूप थी कि हालत खराब हो गई बाइक से। कल रात में भी बारिश अच्छी हो गई थी, फिर सुबह लेकिन फिर से धूप निकल आई और अभी फिर से बारिश होने वाली। तो और अभी जब घर वापस जा रहे हैं तो काफी बादल हो गए, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए, प्लेटफॉर्म पे हैं, अब जाके अच्छा लग रहा है कि अब ट्रेन नहीं छूटेगी किसी भी हालत में। लेकिन जब गाड़ी में बैठे थे ना, इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कहीं ऐसा ना ट्रैफिक हो जाए या फिर टाइम से ना पहुंच पाए, ट्रेन छूट गई तो क्या करेंगे, मतलब हजारों ख्याल मन में चलते रहते हैं। लेकिन अब जाके अच्छा लग रहा है, तो अभी पहुँचते हैं अपनी ट्रेन में और अपनी सीट ढूंढ के बैठते हैं। 3:55 हो गए और ट्रेन हमारी यहाँ से चल चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भी बारिश होनी शुरू हुई है, मतलब हम जब पहुँच गए ना तब स्टार्ट हुई है, वरना बीच में हो जाती तब भी दिक्कत होती, तो ये अच्छा है। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो सफ़र में भी मज़ा आएगा। बस ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म से निकली थी और मान्या को भूख लगना शुरू हो गया, उनको पता था कि नानी ने मैगी बना के दिया है तो और तेज भूख लग रही थी, तो बस उनका अभी से ही पिकनिक शुरू हो गया है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठी है ना, उनका खाना शुरू हो गया है।
हम लोग इतने सही टाइम पे आए कि आज पूरे दिन बारिश होती रही। जैसे लखनऊ से चले हैं वैसे बारिश शुरू हो गई थी और पूरे रास्ता बारिश ही मिली है। और हम लोगों ने अपने विंडो खोल दी थी तो अच्छी हवा भी आ रही है और बाहर के नज़ारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूरे खेत दिखाई पड़ रहे हैं, हरे भरे खेत, और उसमें भैंस वगैरह चर रही हैं, लोग भी दिख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी से हम आते हैं तो उतनी मज़ा नहीं आती, बट आज ट्रेन से बहुत मज़ा आ रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है और मान्या भी बहुत इंजॉय कर रही है। तो अभी हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ भी बारिश हो रही थी बहुत तेज़, अभी खैर बंद हो गई, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो इन्हें मैंने कॉल कर दिया था तो ये आ गए हैं लेने, तो अभी चलते हैं घर। तो भाई हम आ चुके हैं अपने घर कई दिनों के बाद। क्या आया तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो क्या भेजा है? कुछ खुला ही नहीं रहा। तो कैसे खेल पाओगे? तुमसे खुल ही नहीं रहा। होगी कुछ, देखो ना, देखा करो। जब हम लोग लूलू मॉल गए थे उस दिन तो ये माने अपने लिए गिफ्ट ली थी किचन सेट। कई सारे घर में किचन सेट रखे हुए हैं लेकिन लड़की जब भी मॉल जाती है ना कुछ ऐसा उठा ही लाती है। तो अभी ये पापा लोग के साथ भेज दिया था इसने और अब भी जैसे ही घर पे आई है खोलना शुरू कर दी है। तो है तो खैर बहुत अच्छा है, पूरा इसको सेट करना पड़ेगा, स्टिकर वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ये सारा काम इनके पापा करेंगे जो कि थोड़ी देर बाद करेंगे। और मुझे घर छोड़ के ना ये चले गए थे समोसे लेने, फिर हम लोग के लिए सबके लिए समोसे लेके आए। तो अभी हम सबसे पहले समोसे खाएंगे, फिर इसके बाद इनके पापा सारे स्टिकर वगैरह इनका जो पूरा किचन सेट है वो सेट करेंगे। तो खाने के बाद इनके पापा ने इनका पूरा किचन जो है सेट कर दिया, स्टिकर वगैरह लगा दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज से भाई मेरा किचन बंद और मान्या का किचन शुरू। इसी के साथ इस वीडियो को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।